प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं डैनियल राज वीडियो नंबर 13 में आपका स्वागत करता हूँ। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी पर आप मुझे फॉलो, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। मेरा मकसद शॉर्ट वीडियोस को बनाने का एक ही है कि प्रतिदिन के जीवन में आप लोगों के लिए आत्मिक खुराक लाई जाए। दोस्तों, एक अद्भुत वचन, अद्भुत पुस्तक, अद्भुत बातें आपके बीच में नीति वचन 23 का 24 से 28 तक पढ़ने जा रहा हूँ। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 24 to 28। दोस्तों, सबसे पहले वचन 24 को आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लिखा है, पृथ्वी पर चार छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। दोस्तों, चार छोटे जंतु, सबसे पहला जंतु वो है चींटियां। वचन 25 लिखा है, चींटियां निर्बल जाति तो हैं परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। क्या आप जानते हैं, चींटियों को एहसास हो जाता है कि बारिश के मौसम में वो खाना इकट्ठा नहीं कर सकती, लेकिन बारिश के पहले धूप काल में यानी कि धूप के मौसम में वो जितना हो सके अपने अपने इलाकों में या अपने अपने जो भी उनका क्षेत्र होता है वहाँ वो चार महीने के लिए अपना भोजन बटोरती हैं। चींटियों के पास में ऐसी क्षमता है या ऐसी सेंस है जो परमेश्वर ने उनको दी है, पवित्र आत्मा ने जो उनको दी है, वो ये है कि मीठा कहीं पर भी हो, आपके घर में अगर कहीं पे भी शक्कर का एक टुकड़ा भी गिर जाए, आपको पता है चींटियां वहाँ इकट्ठा हो जाती है। अब आप सोच के देखिए कि चींटियों को कैसे पता कि वहाँ मीठा गिरा है। परमेश्वर का अद्भुत रचना है ये। चींटियों से हम क्या सीख सकते हैं? समय का कदर करना। चींटियां बारिश के पहले धूप काल में अपना भोजन इकट्ठा करती हैं, वो समय का ठीक उपयोग करती हैं। मसीह जगत में, मसीह की तह में आपको भी वक्त का कदर करना जरूरी है। वक्त पर पहुंचना, वक्त पर चर्च पहुंचना, वक्त पर प्रार्थना करना, वक्त पर बाइबल पढ़ना, वक्त पर किसी को दिया हुआ वादा पूरा करना, वक्त पर किसी को कहा कि मैं मिलने आ रहा हूं उसको तक पहुंचना, वक्त समय का कदर करना, चींटियों से आप यह सीख सकते हैं। नाउ दोस्तों, दूसरा शापन बलि, यानी कि वचन 26 पढ़ रहा हूं, दूसरा जंतु की बात कर रहा हूं। शापन बलि जाती नहीं तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। मैं आपको बताऊं, शापन बलि कुछ ऐसा होता है, ये देखिए, एक तरह का खरगोश, रैबिट जिसको भी कह सकते हैं, एक तरह का खरगोश, ये होती है पहाड़ों पर। और जो चींटियों की बात कर रहा था वो ये है ना। दोस्तों, वापस आ जाते हैं। अब आप समझ गए कि शापन बलि किसको कहते हैं, खरगोश का एक टाइप का जंतु या जानवर। लिखा है, जाती नहीं तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। इसका मतलब है, इंग्लिश में लिखा है रॉक, चट्टाने। जानते हो इससे क्या सीख सकते हैं कि इनको जब भी कोई खतरा महसूस होता है जंगलों में, पहाड़ों में, ये जाकर छुपती हैं चट्टानों के दायरे में, चट्टानों के दायरे में। इसलिए मैंने ये फोटो आपको दी, ये है चट्टान, आप देख सकते हैं, ये वहाँ जाके छुप जाती हैं। इनको पता है कि अगर हमारी रक्षा कोई कर सकता है, प्रोटेक्ट अगर कोई कर सकता है, जैसे कि चील जो बड़ा है ना पक्षी होता है, इनको आसानी से अपना शिकार बना सकता है, ऊपर से उड़कर आ सकता है और अपनी चोंच में या अपने पंजे में इनको उठा ले जा सकता है, लेकिन इनको पता है कि अगर छुपने का कोई जगह है जो हम सुरक्षित रह सकते हैं वो है चट्टान। जानते हो ये क्या दर्शाता है? यीशु हमारी चट्टान है। जी हाँ दोस्तों, यीशु हमारा रॉक है। अगर आपको जब भी कोई तकलीफ है, आपको कहाँ छुपना है? आपको यीशु में छुपना है, क्योंकि अगर आप यीशु में हो, यीशु के अंदर हो, आप सुरक्षित हो। लेकिन अगर आप यीशु में नहीं हो, यीशु के बाहर हो, तो आपका कोई भी शिकार कर सकता है। आशा करता हूँ आप ये समझ गए। नाउ दोस्तों, तीसरा है टिड्डियों के राजा तो नहीं होते तो भी वे सबके सब दल बांध बांध कर पलायन करती हैं। टिड्डियों का इंग्लिश ट्रांसलेशन है लोकस्ट। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये देख लीजिएगा, ये है लोकस्ट, ठीक है ना। लिखा है, इनसे क्या सीख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है कि टिड्डियों के राजा नहीं होते, इसका मतलब है कि इनका कोई लीडर नहीं होता, इनको कोई गाइड नहीं करता, इनको कोई अगुवाई नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद ये क्या करते हैं, ये पलायन करते हैं। मतलब एक
दूसरे को फॉलो करते हैं। इसे क्या सीख सकते हैं? इसे ये सीख सकते हैं, हमको एकता में रहना है, यूनिटी में रहना है। इनके लीडर नहीं हैं लेकिन ये एकता में हैं। हमारे लीडर हैं उसके बावजूद भी हम एकता में या यूनिटी में नहीं रहते। तो मैं चाहता हूं कि आप इस टिड़ी से, यानी कि इस जंतु से, इस क्रीचर से आप ये एकता सीखें। दोस्तों, अभी तक क्या सीखा हमने? चींटियों से वक्त सीख सकते हैं, शापन बली यानी कि खरगोश का एक जाति टाइप है, उससे हम सीख सकते हैं कि हमारी सुरक्षा यीशु में है। तीसरा, हम सीख सकते हैं टिड्डियों से, लोकस से कदर करना, लीडर का आदर करना, लीडर का अधीन रहना, लीडर के और एकता में रहना या चलना ना। दोस्तों, आखिरी में छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी राजभवनों में रहती है ना। कुछ ट्रांसलेशन में छिपकली नहीं आया दोस्तों, ये आया है स्पाइडर। तो जिसके चलते मैं क्या करूँगा, दोनों रखूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप छिपकली या स्पाइडर रखें, लेकिन लिखा है कि राजभवनों में रहती है। आपको पता है, राजा कितना भी ताकतवर हो, राजा कितना भी क्रूर हो, या राजा के पास में कितने भी बड़े सैनिक क्यों ना हो, उनके चारों तरफ आसपास में, लेकिन छिपकली को किसी से डर नहीं लगता। यानी कि स्पाइडर को या छिपकली को किसी से डर नहीं लगता। वैसे ही जगत में इससे हमें क्या सीखना है? हमें, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी से नहीं डरना है। दूसरे शब्दों में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सड़क पर जाओ और है ना किसी के साथ में भी झगड़ा करो। नहीं नहीं नहीं, मैं उस डर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर डर जाना, कुछ हादसा हो गया उसको लेकर डर जाना, अचानक कोई न्यूज़ सुन लिया उसको लेकर डर जाना, नहीं, वो नहीं डरना है। मैं उस डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। छिपकली से आप क्या सीख सकते हैं? बिंदास रहना। स्पाइडर या छिपकली जो भी बोलो, क्या सीख सकते हैं? राजा सामने बैठा है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी इतनी हिम्मत होती है कि वो उसके पीछे दीवारों पर, आसपास की दीवारों पर चढ़ती रहती है, घूमती रहती है, खेलती रहती है। वैसे ही परमेश्वर को रखकर इस जगत में हमें बिंदास रहना है, बिंदास रहना है ना। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए हैं। तो पहला क्या सीखा हमने? चींटियों से वक्त, शापन बली से सुरक्षित रहना यीशु में, टिड्डियों से क्या सीखा हमने? एकता में चलना, और छिपकली या स्पाइडर्स हमने क्या सीखा? बिंदास रहना, मजबूत रहना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो नंबर 24 में, और इस वीडियो को खूब शेयर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।